नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। मैं प्रोफेसर रामचंद्र कुमार नटराज, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल, शिक्षक प्रतिनिधि डॉक्टर नागेंद्र झा महिला कॉलेज विक्रमगंज रोहतास, मुखिया पिता मोहनी पंचायत विक्रमगंज रोहतास। मैं सभी, जो भी हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, शासन प्रशासन, देश के राजनीतिज्ञ और आम जनता के बीच सभी लोगों का मैं गणतंत्र दिवस 2024 की हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। और आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आज 2024 के इस पावन अवसर पर मैं सबके खुशहाली के लिए कामना करता हूं और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी जनता ने हमें मौका दिया उसके लिए मैं समर्पित भाव से कार्य करने का काम किया और जन सुविधाओं को, सरकार की सुविधाओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज 2024 को शिक्षा संवाद त्रिदंडी रामा उच्च विद्यालय कस्तर महादेव में भी मैं गया था और वहाँ मैंने छात्र और छात्राओं से भी अनुरोध किया कि सरकार की जो जो योजनाएं चल रही है उसे आप प्राप्त करने का काम करें। सरकार का प्रयास है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो खुशहाल बने, शिक्षित बने, संघर्षशील बने और देश क्षेत्र के विकास में, राज्य और पंचायत के गाँव के विकास में एक सराहनीय प्रयास करें। मेरा प्रयास होगा कि आप आगे बढ़ करके देश के नवनिर्माण में भूमिका अदा करें। आज जो समस्याएं चल रही है, मैं वैसा व्यक्ति हूं कि मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से ही की और प्रशासी छात्र संघ के रूप में एजी जैन कॉलेज आरा में रहते हुए मैंने छात्रों की समस्याओं के लिए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रयास किए जिससे शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो, छात्रों का उज्जवल भविष्य हो और छात्र आगे चल करके देश और दुनिया में का नाम रोशन कर सके। मैंने प्रयास किया राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में एक विकास की अग्रिम पंक्ति में अपना नाम अंकित कराने का और जनता का मुझे सहयोग मिला। जनता ने हमें हमारे कार्यों को सराहने का काम किया, हमारे प्रतिबद्धता को निखारने का काम किया। आज जब पूरी देश और दुनिया में भारत के लोग और बिहारी परचम लहरा रहे हैं, उसमें कहना चाहूँगा कि सरकार को सोचना होगा कि हम बिहार राज्य के निवासी हैं, भारत हमारा देश है, लेकिन हमारी भी अपेक्षाएं हैं कि हम बेरोजगारी से मुक्ति हमें मिले, हम आगे बढ़ने का काम करें। सरकार का प्रयास होना चाहिए, सरकार प्रयास भी कर रही है हमारे उत्थान के लिए, हमारे शैक्षणिक नवनिर्माण के लिए, हमारे स्वरोजगार के लिए सरकार की ये तमाम साजिशें चल रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरा एक मांग होगा और वह मांग है कि जिस आपने प्रयास किया था वंचितों को, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए, कि मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की शाखा जिसका नेतृत्व मैं करता हूं, या नट जाति जो अनुसूचित जाति की शाखा है, वो आजादी के बाद तक आज तक विधायिका में प्रवेश से वंचित है। मैं मांग करूंगा देश के तमाम राजनीतिक दलों से और खास करके राष्ट्रीय जनता दल का, मैं 1994 से पदाधिकारी प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक पदाधिकारी बना हूं और आज भी हमारी मांग है कि सरकार हमारी मांग को सुने। आज हम सत्ता में हैं और हम मांग करते हैं पुरजोर कि नट जाति को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जब हमारे युवा उप मुख्यमंत्री एसवी यादव ने जातीय जनगणना बिहार में कराने का काम किया और शिक्षकों की बेमिसाल नौकरी दे करके विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, इनके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में बिहार खुशहाल हो रहा है, नौजवान तरक्की कर रहे हैं, दवाई, कमाई, रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे, स्वास्थ्य में नए
लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। मेरी मांग होगा कि विधायिका में प्रवेश से वंचित अनुसूचित जाति की शाखा नट को भी राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया जाए। इन तमाम सवालों के साथ यह गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, नव वर्ष की हार्दिक बधाई के साथ मैं तमाम लोगों का पुनः क्रांतिकारी अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार, प्रणाम, आदाब करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।